अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज आई थिंक वीडियो अपलोड नहीं होगा हमारा, क्योंकि कल रात से वाईफाई गया है और सुबह मैंने कॉल किया तो उन्होंने बोला कि ऊपर से ही काम चला है, उसका मेन कनेक्शन ही वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम चला है, तो आज दिन भर नहीं आएगा। फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ मोबाइल से अपलोड करने के लिए, लेकिन दोनों का नेट चला जाएगा लेकिन वीडियो अपलोड नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा MB का रहता है ना, तो इस वजह से अभी देखता हूँ। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ बाहर जाके कुछ ना कुछ जुगाड़ करूँगा, अगर नहीं होगा तो शाम तक तो आ जाएगा नेट, फिर मैं शाम में अपलोड कर दूँगा, अगर नहीं होगा तो फिर कल ही आएगा। और कल मुझे जो रिक्शे में लगा था ना, मेरे को रात में मालूम पड़ा कि मुझे वो यहाँ पर नहीं, ये देखिए यहाँ पर लगा है अंदर, यहाँ दिख रहा है क्या रेड वाला निशान मेरे को। कल मैं जैसे ही आया वहाँ से आके अपना फेस वॉश कर रहा था, तो तब मुझे यहाँ पे लगा, बोला यहाँ पे क्या हुआ, आके देखा तो मुझे जब पता चला कि मुझे वो यहाँ पे नहीं यहाँ पे लगा है, जब लगा था तब मेरे को कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन बाद में देखा तो कितना डेंजर लगा ये यहाँ पे। एक जब से उठा हूँ तब से परेशान कर रहा है, जबकि खाना वीना सभी है वहाँ पे, फिर भी खा नहीं रहा है, जिधर जा रहा उधर आ रहा है या फिर आंख पे चढ़ के बैठ रहा है। शेरो नहीं लगा नहीं, जैसे ही विंडो ओपन किया ना तो बाहर से इतनी ठंडी अच्छी हवा आई ना, और आज क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है, ठंडा है, क्योंकि रात में भी बारिश बहुत हुआ, तो उस वजह से आई थिंक अभी भी लग ही रहा है कि बारिश आएगा, पर अच्छा भी लग रहा है। और हमें जाना है आज बाहर, क्योंकि मुझे मेरे आधार कार्ड का जो एड्रेस है ना वो चेंज करवाना है, जो कि मेरा एड्रेस है वो बीजापुर का ही है, तो मुझे यहाँ पर कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है कुछ भी डॉक्यूमेंट्स में, तो इस वजह से मुझे उसका स्पेलिंग उनकी मिस्टेक भी है आधार कार्ड पैन कार्ड में, उसको भी है ना पूरा फ़हीन नहीं है, मैंने चेक किया है, तो उसको मुझे कुछ जुगाड़ करना नहीं पड़ा वीडियो अपलोड करने के लिए। वाईफाई आ गया और वीडियो भी अपलोड हो चुका है चैनल पे, जाइए वीडियो को एंजॉय कीजिए, जो रिसेप्शन का वीडियो अपलोड हो चुका है। और अभी हम दोनों रेडी है जाने के लिए, पूरे डॉक्यूमेंट्स लिए आपने, और नाश्ता भी अभी हम बाहर ही करने वाले हैं क्योंकि टाइम बहुत हुआ है, इस वजह से नाश्ता करेंगे, फिर वहाँ से जो हमारा काम है वो करके फिर अम्मी के पास होके फिर घर पे आ जाएंगे। पैन कार्ड आपने आपका लिया क्या फरोख? नहीं, मेरा भी आप ही के पास है। अच्छा, तो दोनों इसी में। और डॉक्यूमेंट आधार कार्ड ओरिजिनल आपने लिया क्या? फिर मेरे को डुप्लीकेट है वही ले लो। मेरा ना, मेरा वाला भी। हाँ, जो भी लेंगे लेंगे, अपने को क्या है, खाली आधार कार्ड नंबर लगता है ना। हाँ, तो नंबर भी बताएंगे तो वहाँ से वो चेक करके हमारा चेक। फिर भी लो हाथ में, तो वो है मेरे पास एक, जो मेरा मेरा भी है ना, आपका देखना पड़ेगा। मेरा पैन कार्ड भी ले लो और आधार कार्ड भी ले लो, क्योंकि आपका ही आधार कार्ड। हाँ चलो ठीक है, ओके। लेकिन मैंने दोपहर में उसको जाने के टाइम खाना डाल के गया था, लेकिन फिर भी वो भूखा हो गया था, जैसे ही आया पीछे घूमने लगा, ये अभी खा रहा है खाना, इसको खाने दो फिर मैं भी फ्रेश होता हूँ। हाँ फरा, कुछ बोल रहे थे, आप भी ये कर लो, फेस वॉश कर लो, बाहर से आए ना ऑयली ऑयली लग रहा है, मेरा भी वैसा ही था, आपका भी वैसा ही लग रहा है। मुझे ना पसीना बहुत आ रहा है, एक्चुअली गर्मी बहुत हो रही है और डस्टबिन में का कचरा फेंकना ही भूल गए हम। फेंक क्या था ना उसमें, क्या और हमने 1 किलो पेरू लिए थे, इतने अच्छे थे छोटे छोटे, लेकिन मैंने 3-4 खा ली। मैं 3 खाया। हम यहाँ से जाके फिर खाली 5-6 ही बचे, मम्मी के वहाँ पे ही बैठे, फिर वही बातें करते बैठे सब, अच्छा भी लगा। आज का दिन भी हमारा ऐसे ही चला गया, कुछ काम हुआ ही नहीं। आधार कार्ड का भी मुझे एड्रेस चेंज करना था, लेकिन वो हुआ नहीं कुछ डॉक्यूमेंट की वजह से। अगर कोई है जिसको आप जानते हैं कि वहाँ पे हो सकता है इजीली, तो कमेंट में ज़रूर बताना या फिर इंस्टाग्राम पे DM करना,
और हम शेरू को भी हमारे सेल करने वाले हैं, अगर किसी को चाहिए तो वो भी बता देना मुझे। और क्या पता अभी ये शिफ्टिंग का कब होगा, समझ में ही नहीं आ रहा है। और कल तो थर्सडे है, फिर भी देखता हूँ, सैटरडे संडे को मैं सोच रहा हूँ कि इस बार पूरा शिफ्टिंग कर दूँ, क्योंकि 18 डेट है, तो देखते देखते ये भी महीना चला जाएगा। फिर अभी तक हमने कुछ भी किया नहीं है, आज कल ऐसे ही टाल रहे हैं हम। तो मैं इस बार सैटरडे संडे फाइनली पूरा लेके जाके वहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा, यहाँ पे कुछ रखूँगा थोड़ा है, तो फिर हम दोनों भी चले जाएंगे वहाँ पे रहने के लिए। वैसे भी 10 तारीख को ये घर देना ही है, तो उससे पहले भी गए तो कोई बात नहीं। और अगर शिफ्टिंग भी करना है हमें, अगर आपको पता है कि शिफ्टिंग जैसे कि लेबर वगैरह चाहिए मुझे, अगर किसी के कॉन्टैक्ट में होंगे तो वो भी बताना हमें। देखो इसका सोने का तरीका, हाँ 2 दिन से बहुत परेशान कर रहा है, अब हम इसको सेल करने वाले हैं, देख लो जिसको देखना है अच्छे से। और रीज़न कुछ ये नहीं है, क्योंकि हम अभी बाहर भी जाएंगे और फरा की भी ऐसी हालत है, तो मैं नहीं चाहता कि इसकी वजह से कुछ हो। तो अभी फ्लैट को भी मैंने सोचा था लेके जाऊंगा, अच्छे से रहेगा, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। मैं भी जाता हूँ ऑफिस को, तो फरा को ही सब करना पड़ रहा है। मुझे देख के ना और ज़्यादा ये हो जाता है, अभी मैं सिर्फ यहाँ पे हाथ रखूँगा ना तो कैसे चेंज होता है, देखो अभी मुझे इधर हाथ लेके जाऊंगा ना उधर आएंगा वो देखो अभी उधर भी आएगा वैसे बहुत अच्छा है, मन नहीं कर रहा है हमें इसका देने शेरू को, मुझे किसी और को, लेकिन क्या करते हैं, मजबूरी है, अभी देना पड़ेगा। ऊपर देखे अभी कल क्या करूंगा मैं, जैसे ही ऑफिस से आऊंगा ना, ऊपर के जितने भी बॉक्स है वो सभी निकालूंगा, निकाल के उसके जो भी सामान है ना, वो कांच के बर्तन इधर ऊपर है तो वो उसको पैक करके रख दूंगा। और कबर्ड का देखेंगे, कबर्ड का तो मुझे ही खोलना है, क्योंकि ऊपर का जब मैं पहले क्लीन करूंगा तो मुझे समझेगा कि इसको कैसे ओपन करना है, क्योंकि मैंने फ्लैट का जो कबर्ड है ना, जो हमने बुलाया था फर्नीचर वाले को, मैंने देखा था वो कैसे ओपन किया, तो उससे मुझे थोड़ा आइडिया मिला। तो मैंने सोचा उनको बुलाने से अच्छा है कबर्ड और बेड को जो यहाँ का है वो मैं खुद ही ओपन करूँगा। सिर्फ लेबर चाहिए, वो अगर होंगे तो आप बता देना, फिर शिफ्टिंग कर देंगे। मैं सोच रहा हूँ जितना जल्दी होगा उतना जल्दी करें ना तो अच्छा है, क्योंकि 22 को हमें हॉस्पिटल भी जाना है। तो उसके बाद ऐसे दिन चले गए ना तो एकदम आंग पे आ जाएगा वो मेरे को शिफ्टिंग करने के लिए, लेकिन मैं सोच रहा था थोड़ा थोड़ा लेके गए ना तो आराम से 10 तारीख तक हम पूरा शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ है भी नहीं, एक ही टाइम में पूरा हो जाएगा। और बहुत लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि स्पेशल ब्लॉग कब आएगा, तो मैं आपको बता दूँ, और बहुत लोगों को मैं कमेंट में भी रिप्लाई कर चुका हूँ, 24 नवंबर को हमारा वो व्लॉग आएगा, हम खुद बताएंगे कि क्या बात है क्या नहीं। और व्लॉग भी बहुत अच्छा रहेगा, थोड़ा स्पेशल रहेगा, कुछ अलग देखने को मिलेगा आपको, हम दोनों की जो भी खुशी है वो आपको पता चलेगा, और वैसे भी बहुत लोग को पता चल भी चुका है, लेकिन जो व्लॉग है उसमें कुछ हम अलग करके दिखाने वाले हैं आप लोगों को। तो होप कि वो वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो जैसे कि डेली में हम दोपहर में 1 बजे अपलोड करते हैं वीडियो, तो 24 नवंबर को वो भी व्लॉग आ जाएगा। वैसे तो आज हम दोनों का प्लान था कि जो ऊपर के बर्तन है ना उसको हम पैक करके, मतलब पहला उसको धोएंगे फिर पैक करके रख देंगे, लेकिन आज आधार कार्ड के इसमें हमारे इतना टाइम लगा और वो भी हुआ भी नहीं काम, उस पर भी मेरा मूड ऑफ हो गया। फिर वहाँ से हम गए अम्मी के वहाँ पे, फिर वहीं पे बैठे खाना वीना खाए, फरा यहाँ से गवार बना के लेके गए थे तो अम्मी वहाँ पे रोटी बनाए थे, उधर ही खाना खाए, फिर रात का भी खाना उधर ही हो गया, आ गए फिर, लेकिन कुछ काम हुआ ही नहीं मेरा आधार कार्ड का, लेकिन मुझे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा एड्रेस चेंज करवाना है, वो बहुत अलग अलग ही हो गया डॉक्यूमेंट्स का, क्योंकि मेरा जो एड्रेस है वो कर्नाटक का है, अभी मुझे उसको महाराष्ट्र में ट्रांसफ़र करना है, तो कोई होगा तो प्लीज़ ज़रूर बताना हमें।